हेलो दोस्तों, मेरे पास एक मोबाइल है रियलमी का C20। इसका माइक वर्क नहीं कर रहा। इसका माइक, हम माइक की कंटिन्यूटी चेक करते हैं तो देखो, एक पॉइंट पे तो ओके है और दूसरा पॉइंट है जो शॉर्ट बता रहा है, ये बिल्कुल शॉर्ट आ रहा है, शॉर्ट है ये। और यहाँ पे इसकी कंटिन्यूटी आ रही थी और यहाँ से भी ये शॉर्ट बता रहा है। यहाँ तक ये ओके है और ये पॉइंट यहाँ से शॉर्ट है। ये देखो, सब जगह तो शॉर्ट है ये। इसका पत्ता निकाल कर फिर चेक करते हैं तो ओके बताता है। इस पॉइंट पर इसकी कंटिन्यूटी आ रही है। इसका पत्ता बिल्कुल चार्जिंग पत्ता ओके है और ये मेन फ्लक्स है, मेन फ्लक्स खराब है, मेन फ्लक्स इसकी शॉर्ट हो गई है। मेन फ्लक्स ये डिस्प्ले पे लगी होती है इसकी, इसको हम चेंज नहीं कर सकते और इसी को हमको सेट करना पड़ेगा। ये देखो, ये है मदरबोर्ड, मदरबोर्ड पर ये पॉइंट है इसका माइक का जो शॉर्ट है। ये देखो, ये बिल्कुल शॉर्ट होता है इसका। ये इस पॉइंट पर इसकी कंटिन्यूटी आ रही है। मदरबोर्ड पर तो ओके है और इसकी पत्ते में दिक्कत है और इस पत्ते को इससे काट देंगे। ये पॉइंट है, ये पॉइंट इसका शॉर्ट है और इसको हम यहाँ से काट देंगे, रिमूव कर देंगे बिल्कुल अच्छी तरह से। ये पॉइंट हमारा शॉर्ट था। अब हम एक जम्पर लगाएंगे मदरबोर्ड से पीसीबी पर। इस मदरबोर्ड पर 6 नंबर पॉइंट पर हम एक जम्पर लगाएंगे। ये जम्पर हमारा लग गया है। हम इस पे ब्लैक पेस्ट लगा देंगे ताकि ये उखड़े मत, ये टूटेगा नहीं यहाँ से। अब हम इसके पीसीबी के नीचे वाले साइड में 2-3 कैपेसिटर लगे हुए हैं जो कि माइक के हैं, उसमें से एक कैपेसिटर को हम रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद माइक वाले हिस्से पर हम एक जम्पर लगाएंगे जो मदरबोर्ड से आ रहा है। ये वाला जम्पर हम लगा देंगे पीसीबी पर। यहाँ पर हमने एक जम्पर लगा लिया। हमारा जम्पर लग गया है। अब हम इसको चेक करेंगे, माइक लगाएंगे अब इस पर, कंटिन्यूटी चेक करेंगे, कंटिन्यूटी ओके आ रही है या नहीं आ रही। अब इसकी क्वांटिटी बिल्कुल ओके आ रही है। अब हम इसके माइक लगा रहे हैं उसके ऊपर, माइक लग गया। अब ये हमारा माइक प्रॉपर वर्क करेगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से वर्क करेगा और अच्छे वे से हमने इसको लगा दिया है।